नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी YouTube चैनल वन एच डी टेक। चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए गाइस सब्सक्राइब। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गाइस किस प्रकार आप है जो रिंग एप्लीकेशन के अंदर अपनी लिमिट को है जो कैसे निकाल सकते हो। काफी सारी वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन फर्स्टटैग का भी बताया था, फर्स्टटैग से कैसे है जो आप मनी विड्रॉल कर सकते थे, आप फर्स्टटैग गाड़ी नंबर लगा के किस प्रकार है जो अपने अकाउंट में पैसा भेज लेते थे रिंग एप्लीकेशन से। लेकिन फर्स्टटैग का ऑप्शन हटा दिया, कभी ऑप्शन आता है कभी नहीं आता। कंपनी इस पे वर्क कर रही है, न्यू फीचर लेकर आ रही है एप्लीकेशन के अंदर। कंपनी से काफी बार हमने रिक्वेस्ट करने के बाद भी कंपनी हमसे 30 दिन मांग रही है, 30 दिन के अंदर बोल रही है कि हम रिकवर कर लेंगे, अपने एप्लीकेशन को बेटर बना देंगे और नए नए ऑफर है जो आप लोगों के लिए अपग्रेड करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, नए नए ऑफर लाएंगे और अपडेट होने का टाइम मांगा है कंपनी ने, एक मंथ लगभग, तो एक मंथ में अपडेट करेगी कंपनी। उससे पहले हम पैसे है जो कैसे निकाल सकते हैं वो प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। उससे पहले पैसे निकलने की तो बात है आपको बता दूं, कई कई बिजनेस QR कोड होते हैं जिनपे अकाउंट है, जो कई जिनपे अकाउंट जैसे शॉप होती है, मिल्क डेयरी शॉप जैसे कोई भी शॉप होती है, उसमें जो GST नंबर के साथ QR कोड बना होता है बिजनेस वाला, उसमें कई बार ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे। किसी किसी के होते हैं, किसी किसी के नहीं भी होते हैं, मतलब 99% तो नहीं होते हैं, लेकिन 1-2% ही होते हैं लोग जिनके QR पे पैसा है जो अभी भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस QR है। अभी मैंने एक ग्रुप में भी डाला था कि आप जैसे ICICI का रेफरल जो इन्होंने रिंग वालों ने दिया था, ICICI का रेफरल, लेकिन उस पे हर कोई है जो नहीं बना पा रहा है, हर कोई अकाउंट नहीं बना सकता और हर किसी का आधार कार्ड है जो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता और पैन कार्ड भी हर किसी के पास है जो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रिंग में लोन है जो कई बार पैन कार्ड के बिना भी मिल जाता है और किसी किसी का पैन कार्ड मांग लेता है, किसी किसी का नहीं भी मांगता है, तो ऐसी ही दिक्कत आती है कुछ लोगों, किसी को नंबर पर भी लिमिट मिल जाती है। अब देखिए लोगों, आप लोगों की जैसे लिमिट है वो फंसी हुई है रिंग के अंदर, किसी ने दोस्त से उधार लेकर है जो पैसे भरे थे और वो अभी उसको बोल के आया भी पैसे मैं तुम्हारे चुका दूंगा, लेकिन अब वो चुका नहीं पा रहा पैसे। कैसे नहीं चुका रहा, क्योंकि लिमिट तो निकल नहीं रही, पैसा कैसे चुकाएगा। तो इस झंझट में सभी के सभी फंसे हुए हैं, हमारे ग्रुप में काफी ज्यादा लोग हैं जो फंसे हुए हैं इसी झंझट में। तो आपको बता देते, इसका एक ही सोल्यूशन है। पहला तो मैं बता देता हूं कि आपको फर्स्टटैग का ऑप्शन का वेट करना होगा कंपनी से बार बार, और दूसरा सोल्यूशन आपको मोबाइल की स्क्रीन पे बताऊंगा। फर्स्टटैग का ऑप्शन का वेट करने का टाइम है जो कभी भी जैसे 10 दिन के अंदर फर्स्टटैग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है डैशबोर्ड में। यदि 10 दिन के अंदर डैशबोर्ड में फर्स्टटैग का ऑप्शन नहीं आता तो कंपनी हमारे लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढती रहती है। तो जब भी ऑप्शन आएगा उस टाइम आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब ज्वाइन हो, जिसको फर्स्टटैग का ऑप्शन दिखे मुझे मैसेज कर दे, ग्रुप में ऐड हो आप सब। यदि किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर लो। अब मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे और सॉल्यूशन बताता हूं कि कैसे क्रेडिट लिमिट है जो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, वो प्रोसेस बताऊंगा। और ये जो आपको बताया था ICICI रेफरल का, इसमें आपको हर कोई नहीं बना सकता और हर कोई ट्रस्ट भी नहीं करता है कि रेफरल से कोई बोल रहा है भाई तू अर्निंग कर रहा है, भाई मुझे क्या करना अर्निंग करके, इसीलिए मैं इस चीज को बता ही नहीं रहा हूं ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं अर्निंग कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इसीलिए मैं इस चीज को नहीं बता रहा हूं। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी जो फर्स्टटैग का ऑप्शन का तो हमें वेट करना ही होगा, लेकिन अभी दूसरा क्या तरीका है, लेके चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे और समझाता हूं। चलिए शुरू करते हैं को मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं रिंग एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा समझना है। यदि किसी ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे रिंग एप्लीकेशन के अपडेट आते रहते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि पे करके की पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, अभी तक रिंग का अपडेट आया है या नहीं आया, उसके बाद बताऊँगा क्या है मामला, उसके बाद ले बताऊँगा कि क्या हो सकता है इसका दूसरा तरीका पेमेंट निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे हम यहाँ पे देख सकते हो मोर के ऑप्शन में, क्योंकि सब कुछ मोर के ऑप्शन में मिलता है। अभी तो यहाँ पे QR भी स्कैन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है लेकिन बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होता। काफ़ी बार हम ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार और भी दिखा देते हैं, क्या पता 1000 रुपये का ये ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि 1000 रुपये की कई बार ऐड चलती है बाहर की, 1000 रुपये निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अभी लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा हमें, बाकी यही चीज़ बता रहा हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगा क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो
यहाँ पे सबसे पहले पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नए यूजर भी हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं है, तो थोड़ा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा रिवर्स हो जाए, थोड़ा याद आ जाए लोगों को कि ये चीज़ें हो रही है। यहाँ पे देखिए अभी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो ये चीज़ें आ रही है, ये चीज़ हर बंदे के साथ हो रहा है। यू कैन नॉट यूज द ट्रांजेक्शन क्रेडिट लिमिट ऑफ द दिस द ट्रांजेक्शन नियर दिस मोमेंट, प्लीज़ रीपे द योर एग्जिट बिल। यहाँ की बिल तो भरे हुए हैं लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्रेडिट लिमिट अभी यूज नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन इस क्षण आप यूज नहीं कर सकते इस समय। तो यहाँ पे ओके दबाया तो यहाँ पे QR पे तो पेमेंट होती नहीं है, मैंने करके दिखाया था। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले अभी अपन को क्या करना होता है, जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे तो अपने बिल भर सकते हैं, पे विद रिंग खोलेंगे तो उसमें तो सिर्फ बिल भर सकते हैं। अभी इसका एक ही सोल्यूशन है, यहाँ पे देख लो कस्टमर केयर तो कॉल नहीं उठाते, लेकिन यहाँ पे एक सोल्यूशन और है, कंपनी को कॉल करके 48 घंटे के लिए कॉल बैक करते हैं। तो आपको एक ही चीज़ बताई जाती है कि एक महीने में हम एप्लीकेशन को अपने जो रिकवर कर लेंगे, बढ़िया फीचर लेकर आएंगे, नए नए ऑफर अपडेट करेंगे आप लोगों के लिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे रिंग एप्लीकेशन सर्च करना है। जैसे ही मैंने रिंग एप्लीकेशन सर्च किया यहाँ पे देख सकते हो कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे रिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट में यहाँ पे डेवलपर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डेवलपर की आईडी है, यहाँ पे देख सकते हो इनको मेल कर सकते हो। तो अभी मेल आपको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, और मेल कैसे करना है, किन किन को करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो ये केयर है, कस्टमर केयर ईमेल आईडी, ठीक है। सबसे पहले हम इसके डेवलपर को मेल करेंगे और फिर उसके बाद अभी अपने टीम को मेल करेंगे। सबसे पहले ईमेल में जाएंगे, ईमेल में जाने के बाद यहाँ पे ईमेल आ गया, यहाँ पे अभी अपने को सिलेक्ट करना है पेमेंट रिंग, यहाँ पे आपको लिखना होगा रिंग एप्लीकेशन पेमेंट फेल प्रॉब्लम, ठीक है, फेल प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ये टाइटल देना है आपको, ध्यान से देख लो, रिंग एप्लीकेशन आपको अपनी ईमेल आईडी से मेल भेजना है, जो ईमेल आईडी आपने जोड़ रखी है रिंग एप्लीकेशन में उसी ईमेल आईडी से आपको मैसेज भेजना है, जिस आईडी को आपने जोड़ रखा है। आपको ध्यान होगा आपने जिस आईडी को रिंग एप्लीकेशन में जोड़ रखा है उसी आईडी को, यदि ईमेल नहीं जोड़ रखा तो ईमेल आप ऐड कर सकते हो प्रोफाइल में जाके रिंग एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पे ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको एक फॉर्मेट दूंगा मैं, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप कॉपी करके वहाँ से ले सकते हो और यहाँ पे इनको है जो भेज सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे देखो हेलो सर, हेलो रिंग टीम, हाय सर, आई फेस प्रॉब्लम पेमेंट फेल प्रॉब्लम इन दिस रिंग ऐप, प्लीज़ हरी अप अपडेट इन दिस एप्लीकेशन इन फीचर लाइक रिचार्ज, गैस बिल, फास्टैग, आई ट्राई QR कोड बाय पे बट पेमेंट फेल, आई ट्राई बैंक ट्रांसफ़र बट ट्रांजेक्शन फेल। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया, जो जो प्रॉब्लम आप सबको आ रही है वो सारी है जो मेंशन कर दी। अब देखो ये इसका सोल्यूशन तो ये कंपनी वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ में रिंग एप्लीकेशन है जो नहीं है, आपको बता देता हूँ ये अपने हाथ में है जो नहीं है एप्लीकेशन, और ये रिंग वाले ही कर सकते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सब को यहाँ पे कॉपी करके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ये व्हाट्सएप से कॉपी करके आपको इनको मेल करना है। मेल कैसे करना है अभी देखिए यहाँ पे आपको सेंड के बटन पे क्लिक करना है, देखना अभी मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए ऐसे सेंड किया, सेंड करने के बाद यहाँ पे ईमेल का वेट करना है 48 घंटे के या 24 घंटे के अंदर ये ईमेल का अपने रिप्लाई देंगे कि क्या दिक्कत चल रही है। ये एक चीज़ बताते हैं, वैसे तो 30 दिन का बोल रहे हैं कि 30 दिन का हमें टाइम चाहिए, हम अपने एप्लीकेशन को है जो ऑफर अपग्रेड कर रहे हैं, इसके अंदर नए नए फीचर ला रहे हैं, जैसे बैंक ट्रांसफ़र का ऊपर की ओर ऑप्शन आने लग गया, इसी प्रकार नीचे गैस बिल वो फास्टैग सारे ऑप्शन आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे केयर विद पे रिंग, यहाँ पे कस्टमर केयर का है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको यही सेम मेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पेमेंट फेल, ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ लिखनी है पेमेंट फेल प्रॉब्लम इन रिंग ऐप, ठीक है, आपको ये लिखना है पेमेंट फेल इन रिंग ऐप। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपोज ईमेल करना है, जो ईमेल मैंने बताया था आपको वही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो ईमेल बताया था वही आपको ईमेल डालना है,
तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, आपको ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा फॉर्मेट, कॉपी करके आप यहाँ से सीधा अपने उसी ईमेल आईडी से भेजना है जो आपकी रिंग एप्लीकेशन में जुड़ी हुई है, तभी आपको पास रिप्लाई आएगा कि कब तक ये चेक करें, मतलब जल्दी से जल्दी कर लेंगे, या इनको हम जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट डालेंगे। देखो एक बंदा तो कुछ कर नहीं सकता, आप सब मेरे साथ सहयोग करोगे, आप सब मेरे सहयोग करोगे, मेरे साथ खड़ोगे, तो ये एप्लीकेशन को हम इतने सारे मेल करेंगे तो ये अपने आप ऐप जो है ट्रांजेक्शन है जो चालू कर देगा, अपने आप है जो जल्दी से जल्दी ये चालू कर देगा। सबसे पहले हमें मेल ही भेजने जरूरी हैं, क्योंकि हमारे मेल जाएंगे तभी तो पता चलेगा कंपनी को कि लोगों कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे तो कंपनी वाले कभी भी चालू नहीं करने वाले, एक महीना बहुत होता है भाई, एक महीना बहुत होता है, एक महीने तक ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, आप लोगों का तो पैसा फंसा रह जाएगा इसके अंदर। जिन्होंने बिल नहीं भरा उनको पलंटियाँ लग रही है, जिन्होंने उधार लिया था वो निकाल नहीं पा रहे, अब पैसा उधार दे नहीं पा रहे, कुछ लोग तो मोबाइल रख के आए हुए हैं दुकानों पे अपने अपने, किसी ने मोबाइल बेच दिया, किसी ने क्या कर दिया, भाई ये दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें मेल करना होगा और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। तो हमें मेल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा, ये फॉर्मेट है जो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए अभी मेल है जो कंपनी को जा चुका है। चाहे तो आप इनके अबाउट में से इनके कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हो, इन सभी नंबर पे, ये जो दो नंबर दिखाए रहे हैं इन पे भी कॉल कर सकते हो और आप कंपनी से बात कर सकते हो। यदि कंपनी से रिप्लाई नहीं आता तो जो मैंने तरीका बताया वही तरीका है अपने लिए बेस्ट, क्योंकि हमें रिंग ओपन, जैसे ही रिंग एप्लीकेशन ओपन किया मैंने तो यहाँ पे ये दो ही तरीके हैं हमारे पास, देखिए ये दो ही तरीके हैं, ये देखो। फिर आप जैसे ही ईमेल भेजोगे तो यहाँ पे देख सकते हो रिंग के पास एक रिक्वेस्ट जाती है जो बोलते हैं कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए टिकट है जो रिसीव हो चुकी है, जो मैंने टिकट यहाँ पे भरा है, तो यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन बताया है कि अभी ये जो अपनी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करेंगे अपने किस अपने साथ, डियर सुरेश पन्नू, वी वुड एक्नोलेज यू हैव रिसीव योर टिकट हैज़ बीन क्रिएट, और कस्टमर रिस्पॉन्सिबल सेंड ए पर्सनल रिस्पॉन्स, हमें पर्सनल रिस्पॉन्स देंगे कंपनी वाले मेंशन करके। यहाँ पे देखिए ईमेल करेंगे या हमसे व्हाट्सएप पे बात करेंगे या कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने 24 से 48 घंटे मांगे, 48 घंटे के अंदर फिर से हमें बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या हम एप्लीकेशन कल चालू कर देंगे या नहीं। लगता है मुझे कि कल चालू हो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं भी कल फास्टैग पे चालू हो जाए तो बढ़िया है, सब लोगों का निकल जाएगा। इसी प्रकार है जो आपको है जो दोनों ईमेल पे आपको मेल भेजना है, मेल भेजने के बाद रिंग में जाना है, रिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अभी है जो मोर के ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे ऑप्शन है जो देखने को नहीं मिलेगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपके रिंग में जुड़ा हुआ ईमेल है वहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे देखिए ना ही QR पे जा रही है, ना ही पेमेंट बैंक में जा रही है, कहीं भी नहीं जा रही, सब जगह आपको एक ही इशू देखने को क्रिएट होगा, वो है ट्रांजेक्शन फेल का इशू। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन फेल, ट्रांजेक्शन फेल, ट्रांजेक्शन फेल, ट्रांजेक्शन फेल, ट्रांजेक्शन फेल, यहाँ पे देख सकते हो 31 तारीख से यही प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, मैंने बता दिया, यहाँ तो उससे ICICI वाले से नहीं हो रहा, काफ़ी लोग नहीं बना पाएंगे, और उसके बोल रहे हैं कि ऑफर भी हम कल क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी है जो मुझे लग रहा है खुद अर्निंग करने की सोच रही है, तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा अभी किसी को कि रेफर लिंक से क्रिएट करो आप सब कुछ। तो आपको कैसा लगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रिंग एप्लीकेशन से जुड़ी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहेगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि मेल करना ना भूलें, जब तक आप मेल नहीं करोगे तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। और जिस किसी को भी फास्टैग का ऑप्शन दिखता है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सभी के सभी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो मुझे अपडेट मिलता रहेगा, और आ बताते रहना मुझे कि फास्टैग का ऑप्शन मेरे में आ रहा है तो मैं उसको गाड़ी नंबर दूंगा, वो पैसे ट्रांसफर करेगा, मैं उसके पैसे सीधा गूगल पे है जो उस पर ट्रांसफर कर दूंगा। तो यही है प्रोसेस, यहाँ पे मोर के ऑप्शन में देखते रहना है डेली आपको कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। और भी कोई अपडेट आता है रिंग का तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन रिंग अभी आपको बोल रही है कि आप मतलब 30 दिन का टाइम मांगा था रिंग ने, और अभी 24 से 48 घंटे में आप सबका रिप्लाई करेंगे। जैसे ही जितने ज़्यादा मेल जाएंगे उतना ज़्यादा अपने को बेनिफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ट्रांजेक्शन है रिंग है जो जल्दी से जल्दी चालू कर देगी, यहाँ पे नए नए फीचर है जो जल्दी से जल्दी ऐड कर देगी एप्लीकेशन के अंदर। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप के अंदर अपडेट टाइम टू टाइम आता ही रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।